संस्कृति का सार बिहार है, संस्कृति का सार बिहार है, गौरव अपार बिहार है, ये धर्म भूमि महान की चंद्र विहार बिहार है। मित्रों नमस्कार, मैं नरेश कुमार अपने यूट्यूब चैनल बिहारी लाल से। मित्रों, शताब्दी स्मृति स्तंभ का लोकार्पण प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी कल बिहार विधानसभा परिसर में करेंगे, साथ ही डिजिटल लाइब्रेरी तथा विधानसभा अतिथिशाला का शिलान्यास भी करेंगे। यह कार्यक्रम बिहार विधानसभा भवन के 100 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में किया गया। मित्रों, इसके पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने बिहार शताब्दी स्मृति स्तंभ का शिलान्यास किया था, साथ ही विधानसभा कैंपस में उन्होंने महाबोधि वृक्ष भी लगाया था। यह स्तंभ 2.5 टन वजन के कांसे से बना है। यह स्तंभ बिहार की 100 वर्षों की विधायी यात्रा की निशान यू होगी, जो यहाँ के अतीत और गौरवशाली गाथा की याद दिलाएगी। मित्रों, यह शताब्दी स्तंभ 40 फीट ऊंचे बनाए गए हैं, जो धरातल के ऊपर 25 फीट तक निर्मित है। जैसलमेर के पत्थरों से इसका निर्माण हुआ। 15 फीट कांस्य की यह प्रतिकृति है, जो बोधि वृक्ष का प्रतीक है। इसमें 243 बड़ी पत्तियां हैं, जो विधानसभा सदस्यों की संख्या बताता। विधान परिषद के सदस्यों के प्रतीक के तौर पर 75 छोटी पत्तियां भी हैं। 9 शाखाएं, जो राज्य के 9 कमिश्नरी यानी प्रमंडल को दर्शाता है। वहीं 38 डालियां बिहार के जिलों की संख्या बताता है। मित्रों, बोधि वृक्ष की शाखाओं से अंजीर की माला लटकी हुई है। इस अवसर पर बिहार की विधायी यात्रा पर एक पुस्तक का विमोचन भी किया जाएगा। इस स्तंभ पर निर्माण में लगभग 3 करोड़ रुपए की लागत आई है।